नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वसी चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। 40 नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। सूची में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा का नाम है, योगी आदित्यनाथ, रवि किशन, स्मृति ईरानी, डॉक्टर रमन सिंह, ब्रजमोहन, केशव प्रसाद मौर्य, सतपाल महाराज भी स्टार प्रचारक होंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह सूची जारी की है। 40 नामों की स्टार प्रचारकों की सूची है जो छत्तीसगढ़ के लिए प्रचार करेंगे, ताकि यहां पर सरकार बीजेपी की बन सके, आम जन तक पहुंच बनाई जा सके। स्टार प्रचारकों की सूची जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यकर्ताओं से मन की बात। आज दिल्ली में राजस्थानियों से मिले सीएम गहलोत। कार्यकर्ताओं से मन की बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, इस कार्यकाल में बहुत गलतियां हुई हैं, समय पर कई फैसले नहीं हो सके। मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्यकर्ताओं के सामने स्वीकारा है, एमएलए की चली संगठन में नियुक्तियां एमएलए ने कराई, निगम और पंचायत चुनाव में भी टिकट एमएलए को ही मिले, काम भी सभी एमएलए के माध्यम से ही हुए थे। सीएम गहलोत ने अब भरोसा दिया है, कहा मैं आपका ध्यान रखूंगा। इस बीच कार्यकर्ताओं ने सीएम से कहा कि युवा चेहरे आने चाहिए, तो मन की बात कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। और साथ ही कहा कि एमएलए के माध्यम से ही यहां पर काम हुए हैं, लेकिन मैं अब आपके साथ हूं, भरोसा दिलाता हूं, मैं आपका ध्यान पूरा रखूंगा। इस बीच आवाज भी बुलंद हुई कि युवा चेहरे आने चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अजमेर पहुंचे हैं। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उन्होंने जियारत की। रंधावा ने जियारत कर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए दुआ मांगी। रंधावा ने कहा, कांग्रेस पार्टी में भाजपा से कम बगावत है, और अगर आप किसी लीडर का नाम बता दो तो मैं उसको अभी ठीक कर दूंगा। हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि पार्टी और देश के लिए अपनी जिद छोड़ दें। राजस्थान में कांग्रेस का जितना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जरूरी है कि यहाँ पर कांग्रेस जीत कर आए, वापस आए, सरकार बनाए। गहलोत सरकार ने राजस्थान में बहुत काम किए हैं, सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चली है। कांग्रेस पार्टी सर्कुलर पार्टी है जिसके लिए सभी वर्ग और जाति एक समान है। लिस्ट के सवाल पर रंधावा ने कहा कि एक दो दिन में कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। भाजपा के एक बड़े नेता ने कराया कॉम्प्लीमेंट्री रुद्राभिषेक। एक बड़े नेता ने कुछ समय पहले कराया काशी विश्वनाथ मंदिर में अभिषेक कराया, और इस अभिषेक में आया अच्छा खासा खर्चा। लेकिन नेताजी ने ये खर्चा कराया टिकट मांगने वाले एक प्रमुख दावेदार से। ये टिकट मांगने वाले दावेदार है भरतपुर संभाग से, अभिषेक कराने वाले दावेदार है, और उनके एक मित्र को टिकट दिलाने का ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला अब भाजपा आलाकमान के पास पहुंच गया है, और ऐसे में मुश्किल लग रहा है कि अभिषेक का आशीर्वाद यहां पर मिल सके, टिकट मिल सके। और भाजपा के बड़े नेता ने ये कॉम्प्लीमेंट्री रुद्राभिषेक कराया है, यानी जो टिकट के दावेदार हैं वो टिकट चाहते हैं किसी भी सूरत में टिकट मिल सके। और ऐसे में ये बड़े नेता जी हैं जिन्होंने रुद्राभिषेक कराया, वो कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर, यानी कि पूरा खर्चा उठाया है किसी और। छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े प्रकरण का निस्तारण हुआ है। राजस्थान विद्युत विभाग की याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया। कोयला आवंटन को चुनौती देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप श्रीवास्तव सहित अन्य की याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ताओं व अन्य संस्थाओं द्वारा वन क्षेत्र में आवंटन की पर्यावरण मंजूरी अन्य विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एनजीटी में मामला टकने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विभाग द्वारा दायर की गई थी ये याचिका। प्रकरण में एनजीटी व स्थानीय सरकार की अप्रूवल के बाद विद्युत विभाग की याचिका का निस्तारण किया गया। प्रकरण में लंबित अन्य मामलों पर अब 20 नवंबर से सुनवाई होगी, यानी कि अब इस प्रकरण पर जो लंबित मामले उस पर अब सुनवाई की तारीख यहाँ पर तय, 20 नवंबर से सुनवाई होगी इस प्रकरण पर। सरकार की खाए बाजरी, सेठों की बजाय हाजरी। खेतड़ी खनिज अभियंता ने सरकार को लगाया है 42 लाख का चूना। बंद लीज में पोकलेन मशीन से चल रहा था अवैध खनन। खनिज अभियंता धर्म सिंह मीणा की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। एसीएस वीनु गुप्ता मामले की शिकायत इन तक भी पहुंची है। धर्म सिंह और सर्वेयर पूनम गुर्जर ने खुद जाकर जब्त की थी पोकलेन मशीन। करीब 1 करोड़ की मशीन पर खान विभाग वसूल सकता था 42 लाख तक जुर्माना। 16 अक्टूबर को मशीन जब्त कर पुलिस और खान विभाग के दो दो जवान यहां पर तैनात किए गए, जबकि पोकलेन को जब्त करने के बाद दिन में ही थाने ले जाना था, लेकिन जानबूझकर मशीन को खराब बताकर खदान क्षेत्र में ही इसे खड़ा किया गया।
रात को चारों जवानों को धर्म सिंह के कहने पर खाना खाने के नाम पर खदान से हटाया गया और उसके बाद रात में संजय गुर्जर और प्यारेलाल मौके से ये मशीन ले भागे। पूरे प्रकरण में अब कई सवाल उठे हैं। मशीन को दिन में थाने क्यों नहीं भेजा गया, ये अहम सवाल उठ रहा है। रात में एक साथ चारों जवानों को खाने पर आखिर क्यों भेजा गया? दोनों के ग्रुप में भी जाया जा सकता था, इन्हें भेजा जा सकता था, लेकिन दोनों के ग्रुप में आखिर क्यों नहीं भेजा गया? दिन में खराब मशीन रात में अचानक कैसे ठीक हो गई, ये भी सवाल उठ रहा है।